देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क। हमारे न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं किरण मिश्रा अभी चल करके आई हूँ मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक पे। आइए हम बात करते हैं विकासखंड अधिकारी पीयूष कुमार सिंह से। आने वाले के लिए मैं अपनी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मेरा बस यही संदेश है कि राष्ट्र में इस समय हम सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है और शांति जब तक हम बनाए रखेंगे और एकजुट प्रयास करके राष्ट्र को जो है समृद्धि के पथ पर आगे ले जाएंगे, तभी हमारा राष्ट्र जो है इस पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन पाएगा। सर, हम सबसे यही जानना चाहते हैं चल रही थी सेक्रेटरी को लेकर के बैठक रखी गई थी, तो किस बात को लेकर बैठक रखी? देखिए, सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो है शासन योजना नए नए दिशा निर्देश आते रहते हैं। कुछ हमारी स्कीम पहले से चलती रहती है तो उनकी जो है एक साप्ताहिक समीक्षा और कभी कभार आपात बैठक बुलाई जाती है नए नए दिशा निर्देशों को सेक्रेटरी के माध्यम से ग्राम प्रधान और नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए कि जो शासन प्राथमिकता है उसके अनुसार अनुरूप कार्य हो, इसलिए मीटिंग बुलाई जाती है। वैसे तो मीटिंग हम अक्सर शाम को बुलाते हैं 4 बजे के आसपास, परंतु पिछले कुछ दिन से किसी कारणों से नहीं हो पा रही थी तो आज सर जैसे कह रहे हैं नए दिशा निर्देश क्या नए दिशा निर्देश में मतलब जैसे कि अभी आपने देखा जाएगा कैबिनेट एक निर्णय पास किया मनरेगा में कि अगर 15 दिन से अधिक डिले होगा तो फिर उसमें क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, तो उन सब चीज़ों के जैसे उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको एक अपनी तरफ से हम जानकारी दे दें और उनको सेंसिटाइज करें, भाई आपकी थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए, इन सब चीज़ों को केयरफुल रहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हों कहीं भी। वैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके कोई कमी ना आने पाए, 8 दिन के भीतर उत्थान कर दें, परंतु कहीं अगर कहीं किसी अपरिहार्य कारण से आ रहा है कुछ विशेष तकनीकी समस्या आ गई तो उसको लिखित रूप से अवगत करा अपनी सदस्यों को थी और तमाम जो है जो हमारी योजनाएँ हैं उसकी जो साप्ताहिक समीक्षा जी। सर ये चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बाहर कई दिनों से काम चल रहा है कुछ ग्राउंड में, तो क्या कुछ वहाँ पर नया पार्क वगैरह बन रहा है क्या बन रहा है? हाँ जी, हम लोग एक पार्क का निर्माण कर रहे हैं, विकासखंड में भूमि ऐसे खाली पड़ी हुई थी और उसमें आपने देखा पहले आया होगा उसमें काफ़ी झाड़ झंकार से भी रहती थी, तो उसको साफ सुथरा करा के पार्क कर जैसे कि बच्चे में ऐसा हम विकासखंड का सुंदर सुंदरीकरण करना चाहते हैं, जैसे कोई भी आए आम आदमी आए तो उसके मन में एक अच्छी छवि आए, एक अच्छी जगह आए बैठे हुए एंजॉय लगी रहे, तो लोग वहाँ कम से कम यहाँ बैठने गए वहाँ बैठने धूप है आराम से बैठने धूप गर्मी है पेड़ की छाया रहेगी सबसे अच्छा बैठने के लिए, तो इस तरीके से उसको हम करेंगे आम जनता भी चूँकि जो यहाँ पर आएगी उसके लिए लाभ के लिए रहेगा कि अपना वहाँ बैठ के कुछ समय व्यतीत कर लेंगे। सर आपके आप अपने देशवासियों के लिए ये मकर संक्रांति या नया साल अभी